मुझे जैसी समझ बनी है वो ये है कि शाश्वत क्या है, सत्य क्या है। जो शाश्वत है हम कोई छोर पकड़ के चले तो किसी चीज का छोर ऐसा पकड़े जो असीम हो, क्योंकि सीमित का छोर पकड़ेंगे तो मन उस पर हावी हो जाएगा। किसी भी सीमित पे मन हावी होगा तो हम सहारा लें असीम का, जो असीम है उसका सहारा लें। तो मैं मित्रों से निवेदन करता हूं कि आपके जीवन में जो कुछ भी है वो सब टेम्परेरी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और जितनी बीमारियां वाणी आपकी जो भी कहें आपके जीवन में घट रहा है वो सब टेम्परेरी है। शाश्वत क्या है? तो मैं कहता हूं कि जब तुम्हें क्रोध में होना होता है तो तुम क्रोध में नहीं हो सकते, क्योंकि क्रोध शाश्वत नहीं है। जब तुम्हें काम में होना होता है, जब तुम्हारी इच्छा हो और काम में तुम हो जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। जब तुम्हारी इच्छा हो के भय में होना है, नहीं हो सकते। तो माने तुम किसी चीज में नहीं हो सकते हो जो हमेशा हो सकते हो, हमेशा तुम एक चीज में हो सकते हो। जब तुम तुम्हारे होने में हो तो तुम किसी भी क्षण हो सकते हो, जैसे यहां आप लोग बैठे, और जैसे ही तुम्हें अपने होने का बोध होगा कि मैं हूं तो तुरंत ही तुम्हें होने का एहसास होगा। मेरी दृष्टि में ये सत्य है, ये सनातन है, ये शाश्वत है। शाश्वत क्या है? हमारा होना, हमारी मौजूदगी, हमारे होने का एहसास, जो हमारा एहसास है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा की अगर बातें करेंगे तो वो दूर की बातें हो जाती हैं, वो छूटने जैसी बातें हैं, और उनका छोर हमें पकड़ में आता नहीं है, वो भ्रमणा और कल्पना जैसी बात है। लेकिन मैं कहता हूं आपके होने का एहसास ना तो भ्रमणा हो सकती ना कल्पना हो सकती, वो शाश्वतता हो। तो ध्यान में आप बैठे, जिस आसन में भी आप बैठे उस आसन में बैठे, और आंख बंद करके आप अपने होने के एहसास का एहसास करें, अपने होने का एहसास। चित्त में स्वप्न आएंगे, छूट जाएगा, लौट के फिर एहसास में आ जाए, फिर एहसास में आ जाए अपने, फिर मन पकड़ेगा, सपने बना लेगा, फिर एहसास में आ जाए। अच्छा, आपके एहसास का ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना कोई आकृति है, ना कोई प्रकृति है, वो अदृश्य है। आप उतने ही असीम हैं और उतने ही सूक्ष्म हैं जितना परमात्मा असीम और सूक्ष्म है। लेकिन परमात्मा से शुरू नहीं करना, अपने से शुरू करना, होने से शुरू करना, क्योंकि तुम्हारा अत्यंतिक होना ही परमात्मा का होना है। अच्छा देखिए, तुम तुम्हारे होने के बगैर जी नहीं सकते। होने में तो तुम हमेशा ही होते हो, लेकिन तुम पिता होते हो, पति होते हो, पुत्र होते हो, ज्ञानी होते हो, अज्ञानी होते हो, लड़की होते हो, लड़का होते हो, लेकिन होते ही जरूर हो। तो ये सब उपादान जो है ये सब खत्म कर दिए जाए। क्या तुम लड़का हो सकते हो? क्या तुम पति हो सकते हो? नहीं हो सकते। और पति होने का प्रयास करोगे मरोगे, पुत्र होने का प्रयास करोगे हारोगे, क्योंकि जो तुम नहीं हो सकते हो वो होने का ख्याल तुमने बना लिया। यही भूल हो गई जिंदगी में कि जो हम हो नहीं सकते उसका सिर्फ खेल खेल सकते, हो नहीं सकते। और उस सत्य को, असत्य को सत्य बनाने की जो कोशिश है वो सारी जिंदगी को खा जाती है। एक चीज है कि तुम हो सकते हो, सनातन हो सकते हो, हमेशा हो सकते हो, जैसे हो वैसे तुम हो सकते हो। तो जो तुम होते हो उसके प्रति अब साधना जी है, अंडरस्टैंडिंग जी है, समझ जी है कि जैसे तुम बेटे के सामने हो और जो तुम मां होने का एहसास कर रहे हो वो एहसास नहीं होना। तुम सिर्फ होने का एहसास करो, मां होने का नहीं, पति होने का नहीं, पत्नी होने का नहीं,
धीरे धीरे ये समझ जग जाएगी कि ये होना हमारा जो है, क्योंकि असली होना नहीं है, इसलिए हमें नकली होने से जीना पड़ रहा है, और नकली होने के नकली परिणाम होते हैं, वो असीम नहीं हो सकता। पति होकर जियो एक लिमिट में बन गए तो देगा नहीं कुछ तुम्हें, पिता होकर जियोगे तो एक लिमिटेशन आ गई आपकी, उनके गुणों को जीना पड़ेगा, और जब आप होने को जियोगे तो होने का नाम परमात्मा है। अगर पति होने के गुणों को जियोगे तो फिर परमात्मा होने के गुणों को भी जियोगे। जब उस होने को जियोगे तो उस होने में परमात्मा का होना है, तो उसमें जो प्रसाद है, उसमें जो आनंद है, उसमें क्या क्या घटता है उस होने में। एक बार जो प्रतीति आपके चित्त में बैठ जाए तो बस जीवन होने का नाम है, जीवन में हुआ जा सकता है, पाया नहीं जा सकता, हुआ जा सकता है। तो अब मैं कहता हूं कि तुम्हें तुम्हारे शरीर की तरह भी मान लो, शुरू शुरू में वो शरीर की तरह एहसास होगा कि तुम बैठे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं आप बैठे हैं, आपको एहसास हो रहा ना होने का कि नहीं, आप बैठे हैं और बैठे हैं, अभी बैठे थे फिर अब बैठे हैं, तो पूरा गियर बदल गया, आप बैठे हैं फिर ख्याल आ गया कि बैठे हैं, देखिए सब कुछ बदल गया, अब भरे से हो गए, कुछ और हो गए। तो अब इस हैपन में ध्यान में बैठना, वहां हम बैठा लेते हैं, कोई सहारा दूसरा, जो मंत्र है, हम ये मंत्र मानते हैं कि मन बार बार भागेगा, लौट के अपने एहसास में आना, होने के एहसास में आना, फिर लौटेगा फिर होने के एहसास में आना। होने के एहसास में मन की मृत्यु होती है, क्योंकि मन कुछ होना चाहता है, मन का एक स्वभाव है कि वो कुछ होना चाहता। अब जब तुम हो ही तो क्या होगी, अगर नहीं हो तो पिता होगे, उसका मजा लोगे, सपनों में भी पिता होने, अच्छे पिता होने का एहसास करते रहोगे, गुरु होने का भी एहसास करते रहोगे सपनों में। कोई है आपके सामने ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें होना तो पड़ेगा। तो हम सपनों के माध्यम से होते हैं, कल्पनाओं के माध्यम से होते हैं, हम किसी ना किसी के माध्यम से होते हैं, लेकिन बिना माध्यम के हम नहीं होते, यही विडंबना है। तो ओशो का ये दर्शन है कि तुम बिना किसी आधार के हो, आधार ना हो और तुम हो, ये प्रतीति सघन करते जाओ। ये सघन प्रतीति जैसे जैसे बढ़ेगी, और ये चूंकि तुम्हारा स्वभाव है तो बहुत जल्दी बढ़ती है। तुम्हें पिता होने में बहुत लंबा समय लग गया, बहुत पापड़ बेलना पड़े, पति होने में तो जिंदगी खराब कर दी, और फिर अच्छे पति होने में और उपद्रव हो गए, और कभी नहीं हो सकते। मजा देखिए, सारी जिंदगी हम अच्छे पति होने का ड्रामा कर रहे हैं, और अंत में पत्नी कह देती दो कौड़ी के आदमी हो, तो ठीक कह देती है, हो ही नहीं सकती। और ऐसी पति कह देता है बस सारी जिंदगी गमा दी इसमें मैंने, देखो तुम काम ही गलत कर रहे हो। मजा देखिए, पहली बात तो पति होने ही उपद्रव, फिर अच्छा पति होना और बड़ा उपद्रव। अब ऐसा उलझ गया जी मामला, देखिए ये मामला उलझ गया, और यहाँ संसार में मालूम है क्या हो रहा, हमारे सब दुश्मन है, जो तुम्हें तुम्हारे होने से अलग किसी भी होने की याद दिला रहा वो तुम्हारा दुश्मन है, जो तुम्हें तुम्हारी याद दिला रहा वही दोस्त है तुम्हारा। तो दोस्त मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर तुम्हें ही दोस्त रहोगे अपने, तो अपन से ही दोस्ती कर लो ना यार, अपने से दोस्ती करो, और अपने होने को इतना उतार लो भीतर कि पत्नी बाहर बैठी हो, जब होने में मजा आएगा तो पति होने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा, और सब झगड़े मिट जाएंगे। तो जो झगड़े पति होने के उपद्रव जे पिता होने जो बड़ा इतना नाटक है कुछ, और जो नाटक इतने आराम से खत्म होगा साहब, कुछ कुछ हमारी पत्नी है बैठी है कहीं, हम खूब मजा लेते हैं उसका, उसे लगता पति है बिल्कुल है, लेकिन हमने सपने में नहीं सोचा कि पति है, क्योंकि पति कैसे हो सकते। ये सब फिर मैं लोगों को पीछे ले जाता हूँ, 20 साल पहले शादी नहीं हुई थी जब पति थे, जब नहीं थे ना अब कहाँ से होगा भैया, पहली बार स्थिति में आ जाओ, और जरा अपने को इतना सुंदर सूत्र है, मैं आपसे निवेदन करूँ, इतना सरल है, इतना सरल है कि अभी हाल अपील करता है यही, जहाँ तुम बैठे हो वही अपील करेगा, और ये सूत्र तुम्हें यहाँ से ऐसा नहीं जाने देगा जैसे तुम आए थे, अभी हाल बदलोगे यही बदलोगे यही, जैसे ही तुम्हें अपने होने का एहसास आएगा आपकी ऊर्जा बदलेगी, और वो उपद्रव जो हो रहा था ना वो ढीला हो जाएगा, तो फिर तुम
इतने मजे से जियोगे, चाहे पिता के सामने हो, चाहे पत्नी के सामने हो, किसी के सामने, जब तुम उस इम्प्रेशन फूड से जीने ही नहीं चाहते, तो फिर वो ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है और ना कुछ तुम्हारा बना सकता है। क्योंकि जो तुम्हारा कुछ बना सकता है वही बिगाड़ सकता है। अब तुम्हारा तुम्ही कुछ बनाओ ना, तुम्ही बिगाड़ रहे हो तो तुम्ही बनाओ। तो तुम तुम्हारे होने के एहसास को मंत्र बनाओ, उसे जियो, चलते फिरते उठते। मैं जो नहीं कहता हाथ उठाओ, वो गुरुजी बालक है, वो बहुत बड़ा उपद्रव, एक हाथ उठाओगे दूसरे पे एक्सेंट करो, वो बहुत लंबा काम, सर्कस है वो, मैं वो विधियाँ नहीं मिलती। मैं कहता हूँ जरा एहसास से जियो तो हर हाथ का पता लगेगा, चलोगे तो पूरे चलने का पता लगेगा, उठोगे तो उठने का, खाओगे तो खाने का, अपने आप लगेगा ना, क्योंकि तुम मौजूद हो ना। और पति होकर जियोगे तो किसी चीज का पता नहीं लगेगा, घर का पता करते रहोगे आप, इधर बैठे हो उधर के पति चल रहे, सब उलझता है मां का। मैंने भी जिंदगी बहुत सुंदर है, भगवान ने इतनी सुंदर है, और भगवान ने ऐसी समझ का जखीरा हमें दिया है कि हम जहाँ बैठे हैं वही बदल जाए, दो दिन में हमारी रामायण पूरी हो जाती है, बिल्कुल हम बहुत अच्छे जीवन को जीने लगते हैं, अगर ठीक से समझ में आ गई। मैं कह रहा हूँ शायद भगवान की कृपा हो जाए, जो तीर की तरह घुस जाए तो अभी बदलोगे, अभी यही सारा खेल बदल जाएगा, नाचते हुए लौटोगे, अभी सुबह से शाम, शाम से सुबह, सब कुछ अलग अलग होता जब हमारे होने में जीते हैं, तो जो हमारा विकास होता है, क्योंकि जब हमें सम्मान हम करते हैं तो सारी प्रकृति हमारे सम्मान में जुट जाती है। हम सबका सम्मान कर रहे हैं, अपना अपमान कर रहे हैं, हम सबकी याद से भरे, हमारी याद से नहीं भर रहे। अब देखो कैसे काम चलेगा, तो प्रकृति फिर तुम्हें मारती है, फिर तुम कहते हो बिना मतलब के यार घर में लड़ाई होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि तुम कर ही गलत कुछ रहे हो, इसलिए सब होने वाला। तो मैं निवेदन करता हूँ थोड़े से सूत्रों में जीने की कोशिश करें अपन, तो हमारा घर सुंदर होगा, स्वस्थ होगा, परिवार सुंदर होगा, हमारे सब कुछ सुंदर हो जाए। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जिसने अपने को साध लिया उसका सब कुछ सद जाता है, और जो सब कुछ साधने चलता है उसका सत्ता वत्ता कुछ नहीं है, ऐसे भ्रमणाएं होती है सत्ता, और यही हमारे सदगुरु की देशना है। मैं वो कहते हैं बहुत ऊंचे शब्दों में कहीं कहीं, क्योंकि वो मास्टर थे इसके, मैं थोड़े से कम शब्दों में कहता हूँ, मेरे अनुभव से कहता हूँ, कम शब्दों में बात निवेदन करता हूँ, कहता क्या हूं। और मैं देखता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति इस बात को थोड़ा सा भी सरकने लगता है, समझने लगता है, उसके जीवन में कल नहीं आज अभी, अगर अभी रूपांतरण नहीं हो रहा है तो घर जाके कोई बात बनेगी ऐसा नहीं मानता। अगर मेरी बात से अभी फर्क नहीं पड़ा तो कभी नहीं पड़ेगा, अभी होना चाहिए। अगर समझ में आ गई तो जहां तुम बैठे हो थोड़े तो बदलो, थोड़ा फर्क आए, थोड़े सेंटर्ड होने लगोगे आप अपने में, बहुत सारी विडंबनाएं आपकी इधर उधर हो जाए। तो स्वामी जी ने जैसी बात कही है वो ये है कि अब सभी लोग करा रहे, बहुत सारे आधारों से, बहुत सारी विधियों से चल रहा, विपस्सना कर रहे लोग, ये कर रहे लोग, वो कर रहे लोग, ठीक है ये सारी विधियां अपन ने सब कर ली और अबे भी करते जाओ करना, लेकिन अगर इस सूत्र के साथ करोगे तो वरदान हो जाएगा। अगर ये सूत्र और जोड़ लो कि आप अपने होने के एहसास को करते करते अगर सक्रिय ध्यान करोगे, सो गुना काम होगा उससे, सोगुनी यात्रा होगी। नादनम करिए आप, विपसना करिए, विपसना तो नहीं हो पाएगी, चलो करिए विपसना, और सवासन करिए, सवासन में आप अपने होने में पड़े रहिए। अब बिस्तर में रात के हम सो रहे हैं, देखिए कोई नहीं है, मजा लो अपना, क्योंकि तुमसे ज्यादा मजा तुम्हें किसी, तुमसे जो मजा आएगा तुम्हें वो किसी से नहीं आएगा। तो बिस्तर में देखो इतना मजा आता है, आप अकेले होते हो, जब आप अपने में होते हो सारी तरंगे बदलती हैं, आपको ऐसा लगता है संसार में किसी चीज की जरूरत ही नहीं, और इतनी तृप्ति होती है कि शरीर अभी छूट जाए ना अभी इस मोमेंट में, तो शायद कुछ होने बचा नहीं है। देखो जी इतना लिया कि अब होने के लिए कुछ नहीं बचा। ऐसी हर रात, ऐसी हर सुबह, ऐसा जीवन का हर पहलू, कुछ भी महत्वपूर्ण इस जगत में नहीं बचता है जब हम अपने होने में उतरने लगते हैं, जीने लगते हैं, समझने लगते हैं। तो मैं आप सबसे ऐसा निवेदन करता हूँ कि अगर ये सूत्र समझ, अगर ना आया तो आप मुझे दोबारा से पूछिए।
मैं और खोल सकता हूँ इसे, अगर ना आया हो और समय हो गया हो तो मैं आ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे तो जा खड़ी है वही होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत सूत्र है। पत्नी को क्यों समझ में, पत्नी को कब समझ में आएगा, इतना प्रेम सच में हो जाएगा, जागृति इतनी हो तुम्हारी कि वो तुम्हारी मौजूदगी में ठहरने लगे तो आएगी समझ में उसे। तुम समझाने चले, वो तुम्हें जब से ही समझा रही, समझाने चले उलझन में मत पड़ जाना, यही तो करते चले आ रहे। ये तो जो देखो, समझाना होगा मौजूदगी से। आप इतने ज्यादा मौजूद होकर देखिए उसके सामने, वो कैसे नहीं समझेंगे, और आग्रह नहीं है तुम्हारा समझाने, वो मौजूदगी खेल लेगी, लपेट लेगी उसे, संक्रामक होती है ये मौजूदगी। जब कोई अपने में मौजूद होता है तो बगल, जब कोई नींद से भरा हुआ होता है तो दूसरे को लपेट लेता है कि नहीं, बगल में नींद वाले के कोई बैठ जाए तो उसे जुआई आने लगती है, और जागा हुआ बैठेगा फिर पत्नी की चलेगी कैसे, जागते तो बैठ हुआ, देखो कैसा खेल बदलता। आप ये रामबाण की बात कह रहा हूं मैं, पूरा घर सुधरता है, बच्चे सुधरते हैं, परिवार सुधरता है, पड़ोसी सुधरते, जिनसे मिलोगे आप, जिस अधिकारी के पास जाओ जरा ठहर कर खड़े हो जाओ उसके सामने, क्योंकि जे संसार में जिस ढंग से लोग जी रहे हैं उनका कोई आधार थोड़ी है, ये कोई आधार में नहीं जीते, ऐसे डोल रहे हैं, कांप रहे हैं, थोड़े से खड़े हो जाओ और जैसे ही हल्का सा उन्हें स्वाद मिलेगा वे बिल्कुल आपकी भाषा बोलने लगेंगे। आप आश्चर्य करो, इतना गजब का खेल होता है। जो हम कहते हैं कि कोई हमारी सुनते ही नहीं, क्यों सुने, तुम सुन रहे हो तो कोई और सुने, जब तुम नहीं सुन रहे तो दूसरा क्यों सुने, पहले भैया तुम सुन लो पूरी बात और तुम्हें समझ में आ गई सब सुनेंगे, फिर बिल्कुल सुनेंगे लोग, लेकिन आप ही नहीं सुन रहे हो तो कोई और नहीं सुनने वाला। तो आप मित्र ने कहा कि वो पत्नी, यही उपद्रव रहता है कि यार वो पत्नी मान जाए तो हम माने कि हम ठीक है, ऐसा नहीं मानने वाली, जैसे तुम समझा रहा है उस तरीके से तो नहीं मान, वो तरीका ठीक नहीं, तरीके हैं समझाने के, मुझे पता है तरीके तो हैं समझाने, वो समझाओ मत, बस बैठ जाओ, देखो उसे जरा प्रेम से, इतने प्रेम से देखो कि ना आ जाए, अब हो तो देखो, है ही नहीं तो क्या खाक देखोगे, तो वो कहेगी क्यों घुर्रा रहे हो, गड़बड़ हो जाएगी, सारा खेल बिगड़ेगा। तो इतने प्राणपूर्ण हो जाओ, इतने प्रेमपूर्ण हो जाओ, सच कह रहा हूं जिंदगी स्वर्ग है, और भगवान ने जिंदगी को स्वर्ग बनाया है, और वो कहते हैं फिर बांटो, फिर जरूर तुम बांटो, तुम नाचो, और तुम्हारे नाच में ऐसा एक करंट होना चाहिए कि बगल वाला बैठा बैठा नाचने लगे, तुम्हें देख के नाचने लगे, तुम्हारे होने में इतनी मजबूती हो कि लोग अपने होने में जाने लगे, और ये प्रमाण है कि हम इनके सन्यासी हैं। मैं निवेदन करूंगा आपसे, ये प्रमाण है, हम कहें कि हमारे संसार वाले बात क्यों नहीं, वो नहीं मानेंगे, वो मानेंगे आपकी बात जरूर, अगर आपने जान ली हो, आप जी रहे हो प्रमाणिकता से हो सको। एक बार मैं, आप आश्चर्य करोगे, जर्मनी से आ रहा तो कस्टम का आदमी मिला, अरे यार बड़ी देर से देख रहा हूँ, कहीं मुझे, मेरे को आपसे बात करने का दिल कर रहा कि करिए कि आप कौन है, क्या है, सर सर। फिर मैंने उसे ओशो को, अरे हाँ मैंने सुना है, वो इतना मजे में, कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो सील भी लगाना भूल जाते, ऐसी स्थिति होती कि यार हम वो लाइन में लगे थे, हम वहीं से देख रहे थे आप, वो बिल्कुल ओशो की तो कृपा है कि जिनने ओशो को समझा है देखा है वो मुझे एक मिनट में पहचान जाती है, ये ओशो वाले एक मिनट में दूर से ही झलक मिल जाती है कि आप, कई लोग तो कहते हैं आप भाई हैं क्या, उनका जो मान लो वही वही है, ऐसे मानेंगे आप, तो बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा उन अर्थों में नहीं लगता, उनकी पहचान बढ़ती, इसलिए बड़ा अच्छा लगता है। अगर देखो हमें देख के किसी को उनकी याद आए, क्या बात है, जिंदगी धन्य हो गई, ना कहना पड़ रहा ना सुनना पड़ रहा, सिर्फ देख के ही लोगों को उनकी याद आ गई, कितना सुंदर काम हो गया कि अब कुछ करने जैसा बचा नहीं, तो कुछ जिंदगी ऐसी उन्होंने बनाई, और ऐसी मैं कहता हूं हम सबकी संभावना है कि जब उनकी मौजूदगी बढ़ती है
तो वो सब जगह फैलती है, सब जगह खबर करती है। और हम कह रहे हैं कि हमारी पत्नी नहीं सुन रही हमारी, 20 साल से हम सन्यासी हैं और वो समझने को तैयार नहीं। 20 साल से सन्यास होने का आडंबर ही रहा होगा, सन्यास तो नहीं। सन्यास तो भगवान के दर्शन से जो आदमी लौटता है, उनके दर्शनों से लोग लौटते थे, उन्हें देखते थे, और वो जिन लोगों को मिलते थे तो उनकी आंखों में कुछ और हो जाता था। हमने वो सुख देखा है जब उनके दर्शन करके आना होता था और लोगों से मिलना होता था। तो अगर फिर उनको जीने लगे, उनमें लय होने लगे, एक होने लगे, तो ये यही तो इनने सपना देखा है कि जिंदगी पूरी मनुष्य जाति स्वर्ग में जीने लगे, स्वर्ग में चली जाए। अब देर कितनी लगे, मेरा ऐसा मानना है देर कितनी लगे, लेकिन ये देश ना मनुष्य जाति में पूर्ण रूप से प्रकट होगी। कितनी देर लगे, कितने पापड़ बेलना पड़े, हमें कितनी यातना झेलनी पड़ी, लेकिन कुछ ऐसा वरदान घटा है भगवान का जी मनुष्य जाति में जरूर फैलेगा। और विदेशों में इतने अच्छे परिणाम आ रहे हैं, हम वहां भी देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं, लोग इतने प्रेम से जी रहे हैं, बहुत प्रेम से जी रहे हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा करेंगे तो ये पत्नी वाली बात खत्म शायद हो जाए। तो हो गई बात पूरी, अभी शायद पूरी हो गई। नहीं, कुछ तो मैं जब बता सकता हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, ये मैं कह दूं, मैं किताबें पढ़ता नहीं, मेरी मजबूरी है कि किताब से हाथ नहीं लगाता, बस पढ़ लिया, जब से पढ़ लिया उन्हें तो किताब से हाथ नहीं लगाता, बोल नहीं पाता हूँ मैं कब बोलता हूँ, आप बुलवाते हो जब, जैसे आपने कोई प्रश्न किया तो फिर कहीं से क्लिक होता है और फिर घंटों बुलवा लो। ऐसे शुरुआत में मेरे को लगता है मैं बोल ही नहीं सकता, बोलना मेरे को जैसे आता नहीं है, तो हिचकिटाहट होती है शुरू शुरू में भारी। तो किताबों से मुझे ऐसा लग गया है कि नहीं, अब बहुत हो गए, नहीं पढ़ना। पहले भगवान को खूब पिया, पढ़ लिया अच्छे से, अब वो जीने में आ रहा, तो पढ़ना एक पन्ना नहीं खोल पाते, अड़चन जैसी लगती, ठीक है। तो अब वो बोलने में भी वो तैरते नहीं है सब, तो बोलना होता नहीं है, मौन चल रहा। फिर आप लोग कोई प्रयोग करवा देते हैं, कोई प्रश्न पूछ लेते हैं, फिर कहाँ से लेके जुड़ जाती, जो मैं भी मुझे पता नहीं मैं कहाँ से बोलूंगा। देखिए आपने कहा और कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, ये मुझे ही पता नहीं था, बस ये हो गई बात, ऐसी कोई बात हो जाती है। तो अगर बोलना है तो आपको ही प्रयास करना पड़ेगा, नहीं फिर अपन भाई आपका ये बनने से जो होने की घटना घटी, आपका लोग तो विटामिन में रहते हैं, तो विटामिन होती है, हाँ। आप बीन में ठहर गए, ये कैसे इसकी घटना को जब वर्णन किए तो जब विटामिन बीन बन गया, कैसे बना, उसकी अनुभूति है आपको, जो बनने से होना हो गया। देखिए ये तो बड़ा याद है, अरे याद नहीं, वो ही तो याद है, उसी की याद से तो मुझे 30 साल हो गए, खास तो मुझे वो ही याद। ऐसा हुआ कि भगवान के दर्शन हुए, सन्यास हुआ और साधना शुरू हुई। और दूसरी बार जब पूना जाना हुआ, खूब साधना चल रही, पकाव आ रहा, पीड़ा हो रही, आनंद हो रहा, सब कुछ हो रहा, वहां कुछ भगवान के दर्शन करते करते लोगों की अश्रु धाराएं बह रही हैं, बहुत प्रेम में आ रहा है। उस समय हमारे चित्त में कोई विकार है, हम कुछ इधर उधर देख रहे हैं उल्टा सीधा, और कुछ लोगों को उनके प्रेम में ऐसा लबालब देखा, तो एक भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा और एक जीवन के प्रति एक घृणा जैसी, कि श्रद्धा है लेकिन वो समझ तो नहीं है कि तुम परमात्मा हो, ऐसा हमने सुना है, ऐसा हम मानने को राजी हैं, लेकिन हे प्रभु तुम परमात्मा हो, जब तक ऐसी दृष्टि पैदा ना हो जाए तब तक यहां मत बुलाना। जब ऐसी दृष्टि हो जाए कि आप जैसे हैं वैसे दिखें, ये कुछ तो भी हो रहा है, तो इतनी पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा। फिर वो उन दिनों वो चबूतरे पे बैठते थे, वो एक चबूतरा था, फूल लगे रहते थे, हाँ। तो वहां
बहुत देर तक रोना होगा, बहुत रोया। उनका प्रभु ऐसी कृपा करो जैसे आप हैं वैसे समझ में आ जाए। 78 की बात है, 78 में संन्यास लिया, 78 जुलाई में, 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन के दूसरे दिन, गुरु पूर्णिमा 20 जुलाई की थी ये 78 में, और 21 को संन्यास हुए। फिर बीच में गए 78 में शायद दिसंबर में, और शायद 79 में गए, 79 में शायद मार्च में ऐसा हुआ, और फिर अब नहीं आएंगे यहाँ, तू अब नहीं आए क्योंकि कुछ इतने विकार दिखाई दे, कुछ तो भी उल्टा सीधा भी दिखाई दे, तो इतनी कचोट लगे कि वो बात नहीं हो रही है, तेरे दर्शन जैसे होना चाहिए वैसा नहीं है, कुछ तो जो क्या हो रहा है, और दूसरे लोग शायद दर्शन कर रहे हो आपके, कितने भाव में बैठे हैं, भक्ति में और नहा रहे, तो ऐसी एक पीड़ा लेकर वहां से लौटना होगा स्वामी। और फिर घर आ गए, चूंकि साधना जब से शुरू की थी तो घर में थोड़ी सी अस्थिरता थी, हल्की सी, मतलब वो ख्याल पूरा नहीं बन पा रहा था परिवार का, चल रही थी गाड़ी ठीक से, फिर भी साधना सबसे ऊपर चली गई, सबसे ऊपर। और एक दिन ऐसा लगा कि अब जो है इस तरह से तो जीना एक दिन का भी ठीक नहीं है, अब नहीं जीना ऐसे, अब तो प्रभु जिलाए तो कुछ ढंग से ही जिलाए, ऐसा गहरा ख्याल आके कहीं कोई जगह पे निकल गए हम, इतना परम वैराग उनकी कृपा से। अब ये सब क्या हुआ था, ये तो वैसी बात है कि दद्दा जी के साथ कोई प्रयोग हो रहा था, तो कोई इजोटेरिक ग्रुप प्रयोग कर रहा था, भगवान की कुछ कोशिश ऐसी चल रही थी कि दद्दा जी पार हो जाए 79 में, सितंबर में हो गए, और मैं अगस्त 79 की बात कर रहा हूँ, तो अगस्त में जुलाई में मैं गया था दोबारा, जुलाई से लौट के आया, तो अगस्त में मैंने ये निर्णय लिया कि अब ठीक है घर से थोड़ा सा दूसरी तरफ चला गया, एक दो मित्र मेरे साथ और हो गए, और ऐसा निर्णय आया उनकी कृपा से, वो इजोटेरिक ग्रुप पीछे लग गया हो जैसे, ये हुआ सब उनकी कृपा से, जैसे वो इजोटेरिक ग्रुप कुछ भगवान के साथ कुछ बहुत ऊंची चेतनाएं काम करती थी उनकी मौजूदगी में, और वो हम सबको हमारे सब पे जो प्रयोग होता था वो उसका प्रयोग होता था थोड़ा सा, तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान की प्रेरणा है, दिख कुछ नहीं रहा, समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ऐसा है, ये समझ में नहीं आ, और जैसे कोई फोर्स ले गया, और हम लोग तीन लोग थे एक ऐसी जगह पे चले गए, कोई खेत था जंगल की तरफ, केलों का झुंड था ऐसा, और वहाँ आज रात रुकेंगे ऐसा, और कल हम दूसरी जगह जाएंगे ऐसा कोई ख्याल बना, सारा ऐसा व्यवस्थित, दो लोग साथ में, बड़े मेरे बड़े प्रेमी, और कुछ ऐसा बना। दिन के 12 बज रहे थे, सवेरे वो खेत में मट्टी ऐसी बरसात के बाद ऐसी हो जाती है अगस्त के महीने में, ऐसी थोड़ी सी भुरभुरी सी, तो मट्टी में ऐसा लेटना हुआ, और इतना प्रगाढ़ भाव सत्य को जानने का, वो बहुत रोया, वो लोग खाना वाना बना रहे हैं ऐसा, पता नहीं क्या हुआ स्वामी जी, वहाँ से जब मैं लौट के आया और वो केले के पेड़ के नीचे ऐसा बैठा हूँ, पैर मेरे खुले हुए हैं और ऐसा बैठा, उसके 2-3 दिन पहले वो मित्र थे मेरे, वो कह रहे थे कि आपके यहाँ कुछ उठ गया है कहीं, अब हमको क्या है ज़्यादा समझ नहीं थी, कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं था सर, वो जिन खोजा दिन पाई है किताब पढ़ी थी, और समाधि क्या है, सत्य क्या है, कुंडलनी क्या है, इस विषय में हमारा ज्ञान बिल्कुल 0, कुछ पता नहीं है, बस भगवान से प्रेम है, और क्या होता है, क्या इनलाइटनमेंट होता है, क्या घटनाएँ होती है, इसकी कोई पृष्ठभूमि दिमाग में नहीं, लेकिन कोई प्यास ऐसी कि कुछ होता जरूर है जो जीवन को कचोट रहा ऐसा, और अचानक आंख बंद हो गई एकदम, और फिर आंख बंद हुई
और सारा लोक बदल गया। वो 21 अगस्त की बात है, 21 अगस्त है, 13 महीने पूरे हुए, दिन के 12 बजे, और यहाँ से स्वामी जी कोई जैसे टूटा, कोई हल्की सी आवाज जैसी मिली जब टूटा, और अंतरलोक में कोई इतना जबरदस्त प्रवेश हुआ कि ये सारा जगत खत्म, ये पूरी रामलीला खत्म हो। अब ये दो लोगों की गवाही भी है, मजा देखिए। तो बहुत देर तक तो मैं अपने में बना रहा, फिर वो क्या हुआ कि कुछ एनर्जी ऐसा काम करने लगी चारों तरफ, तो वो लोग एकदम सब पकाया कि जी क्या हो गया, कुछ ऐसा कुछ हो गया ऐसा लगा, तो वो संभलने लगे। फिर वो इतना प्रकाश और ऐसे ऐसे रहस्य और बहुत सारी चीज़ों का वो ऐसा खेल हुआ है कि सारी जिंदगी में वर्णन करूं तो कम है। वो घटना बनी और पूरे जीवन को उसने बदल दिया, पूरे जीवन को बदल दिया। उसमें से आना हुआ, फिर आंख बंद करे तो ये दुनिया गायब हो जाए, ऐसे कुछ है ही नहीं, ये शरीर भी गायब हो जाए। आंख खोले तो ऐसा लगे कि जी सब कुछ अभी हाल प्रकट हुआ, अभी प्रकट हो रहा है ये सब कुछ। फिर आंख बंद करें तो ये फिर चला जाए। अब इसकी कोई समझ रहे नहीं, गुरु दूर, क्या क्या हुआ कुछ पूछो मत, गजब गजब का खेल हुआ। फिर ऐसा लगा कि भगवान से मिला जाए, चलो पूर्ण गए। अब उन दिनों क्या हो गया कि वो घटना कोई दूसरी घट गई कि नींद जिसे कहते हैं वो गायब हो गए, सोना जिसे कहते हैं वो मुझे पता नहीं कि सोना होता भी है, क्योंकि आंख बंद करें तो दूसरे लोक में वो अलग ही स्पेस है, और आंख खोलो तो ये जैसे अभी हाल पैदा हुआ, तो जो उनने माया कहा है शंकर ने, तो ये साफ साफ। फिर इतने सूत्र उतरे हैं ब्रह्मांड के, इतने सूत्र उतरे के दुनिया भर के सूत्र उतरे। फिर कभी लोगों से चर्चा में सूत्र उतरते रहे तो रात रात 20-20 घंटे तक बातें होती रही, कोई सूत्र उतरते रहे और कोई इतनी समझ नहीं कि कहाँ से क्या करना, बस आज का काम आज होगा, ऐसा कुछ बहुत चला। फिर भगवान के दर्शन को गए तो गेट पर जब पहुंचे तो मुक्ति थी उन दिनों, उससे अपॉइंटमेंट लिया तो वो कह लगी आप मुक्ता शीला और मुक्ता थी उन दिनों, आई थी शीला, ऐसी बैठती थी उस पर अलग से, थी तो लक्ष्मी लेकिन इनको थोड़ा दे रखा था काम। तो वो कहने लगी मेरी आंख में, अच्छा उन दिनों क्या था कि मैं जिसकी आंख में देख लूं या तो वो भग जाए या फिर मजे में आ जाए, जिसको 2 मिनट देख लूं तो वो ठहर जाए, उसके भीतर प्रकाश होने लगे, ऐसी स्थिति हो गई, या फिर वो भग जाए डर जाए, ऐसा चला। भगवान के यहाँ मनाई हो गई कि आपको नहीं मिलने दिया जाएगा, आप ठीक नहीं है, कि आप ठीक नहीं है, आप ठीक नहीं दिख रहे। उन्हें देख लिया तो वो घबरा गए, तो उन्होंने कहा नहीं आप बगीचे में बैठो, किया तो मैं बगीचे के कंकड़ को जीऊँ, वहाँ पे इतना मजा आ रहा है, उनका बिना उनकी कृपा के शीला क्या कह सकती है, अगर मुझे ऐसा हो रहा है तो उनकी कृपा से हो रहा, उनकी कृपा के बगैर तो यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा है, शायद कोई रहस्य होगा तो उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा। हम लौट आए, फिर दोबारा गए तो दोबारा भी ऐसा ही हुआ, लौटा दिया, और हाँ वो लक्ष्मी तक बात जाती नहीं थी, और वो शीला और वो और लोग बैठते थे, लक्ष्मी तो उन दिनों काफी बिजी थी 79 की बार। फिर एक बार तीसरी बार हम फिर गए तो फिर अच्छा भी ठीक है आज आपके दर्शन है, कही भगवान के दर्शन, वो वहां होते थे अंदर लाभ से बुलाते चरण स्पर्श वाला। अब वहाँ भगवान का जो साक्षात्कार हुआ, उनने देखा हाँ एनर्जी दर्द, बातचीत नहीं करते थे वो, सिर्फ देखते ही थे, और वो एक आधा मिनट का ही खेल टच करते थे, वो आधा मिनट का खेल। भगवान ने मेरी आंख में देख के एक शब्द बोला, ठीक बस, और हाथ रखा। उस दिन से आज तक मैं ठीक हूँ,
ऐसे सब। और वो जो प्रकाश वाला खेल था वो भी बंद हो गया, क्योंकि उसकी वजह से शरीर में थोड़ा तनाव था, सो तो सकते ही नहीं थे, ऐसे ऊर्जा घूम रही हो ऐसा चलता था सब, जैसे अकेली ऊर्जा घूम रही। लेकिन वो भगवान ने जो टच किया तो वो कोई, फिर एक घटना और घटी इसके बाद, वो कोई अलग ढंग की घटी, जैसे सारी घटना खत्म हो गई हो ऐसी कोई घटना घटी उसके बाद। उसके बाद भगवान से लौट के आया तो मैं ऐसा लेटा था और एक घटना ऐसी घटी कि सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा गई पूरी। तो अब उस घटना को सही कहें या इस घटना को सही कहें, मतलब जो मेरे जीवन में फिर मजा आना शुरू हुआ, ठहराव, प्रकाश अंधेरे दोनों चीजें गायब हो गई, और जो मस्ती और जो आनंद उन दिनों से चल रहा है, फिर पता नहीं कैसे उनकी कृपा से लोग जुड़ना शुरू हो गए, फिर बहुत सारे भारतीय लोग जुड़ गए, फिर बहुत सारे विदेशी लोग जुड़ गए, फिर ये क्रम अभी तक चलेगा। और मुझे आता जाता कुछ है नहीं, मैं होता हूँ, तो ना कोई विधि विधान, ना कोई ऐसा कोई तरकीब आती है, ना कोई कुछ है, बस मजा आता है और लोगों को मजा आता है। ऐसा कुछ जीवन में घटा, फिर वो भगवान ने जब छुआ है इसके बाद फिर मौन की प्रक्रिया चालू हो गई। फिर घंटों बैठना, तीन तीन चार चार घंटे, पांच पांच घंटे बस बैठे हैं, कुछ बस होने में है, बस ऐसे मान। और वो सूत्र अपील बहुत करता है, बहुत अपील करता है, और वही सूत्र मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो किसी किसी को लाभ होता है उसका, समझ में आती है बात तो लाभ होता है। ऐसी कुछ भगवान की कृपा घटी। तो 21 अगस्त की बात है, कितने साल शरीर और रहेगा तो इसका मजा ले रहे हैं। 30 तो करीब करीब हो गए, 9 चल रहा है जी, 79 की बात है, 30वीं साल जा रही है, ऐसे समझ।